प्रीत रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं अरहर दाल और लौकी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और ये दाल लौकी की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत सिंपल है और ये हेल्दी भी होती है। तो दाल लौकी के लिए मैंने 200 ग्राम अरहर का दाल ले लिया है और लौकी ले लिए एक कटोरी, छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। हम इसे कुकर में बनाएंगे तो कुकर में इसे हम डाल देंगे। दाल और लौकी को धोकर डाल देंगे। अरहर के दाल की जगह हम कोई भी दाल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आज अरहर के दाल के साथ लौकी बना रही हूँ। और इसमें हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच आधा चम्मच डाल देंगे और लहसुन की 3-4 कलियाँ इसके छिलके निकाल कर डालेंगे। नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे और एक छोटे टमाटर कटे हुए डालेंगे। पानी हम दाल के अनुसार डालेंगे, हम कितना डाल लिए हैं। अगर एक कटोरी डाल लिए हैं तो 2.5 से 3 कटोरी पानी लग जाएगा और इसे हम 3 से 4 सीटी लगा लेंगे मीडियम फ्लेम पर। अगर ना गले तो हम दोबारा से सीटी लगा लेंगे। इस तरह से दाल देखिए गल गया है, दाल और लौकी दोनों गल गया है। इसको इस तरह से चला लेंगे, बहुत अच्छी तरह से गल गया। और अब हम इसको तड़का लगा लेंगे, फ्राई कर लेंगे दाल को। तो कढ़ाई गरम करेंगे, इसमें 3 बड़ा चम्मच घी डाल देंगे और 1/2 चम्मच इसमें हम साबुत जीरा और मिर्ची तोड़कर डाल देंगे। और जब फ़ौरन चटक जाए तब इसमें 1 प्याज इसमें छोटे बारीक कटे हुए डाल देंगे और 1 चुटकी हींग डाल देंगे। और प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और 2 हरी मिर्ची छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काट लेंगे और 3-4 कली लहसुन को काट लेंगे। चाहे तो हम लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। इस तरह से ब्राउन हो गया है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। और इसमें 1 टमाटर मीडियम आकार का हम छोटे टुकड़ों में काट लिए थे और थोड़ा नमक टमाटर के लिए हम डाल दे रहे ताकि ये गल जाएगा जल्दी, वैसे दाल में हम डाल दिए हैं। और कलर के लिए इसमें 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेंगे। उसे ढक के पका लेंगे थोड़ी देर, 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। और ये टमाटर गल गया है, थोड़ा देर और इसको चला लेते हैं, मिला लेते हैं प्याज और टमाटर को अच्छी तरह से। और इसमें धनिया पत्ता डाल देते हैं फ्रेश थोड़ा सा, ताकि इसका खुशबू इसमें चला जाए। घी के जगह हम कोई भी एडिबल ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। और दालों की बहुत हेल्दी होती है और अच्छी लगती है, बहुत सिंपल रेसिपी है, इसे आसानी से बना सकते हैं। और हम दाल को डाल देंगे, अगर दाल गाढ़ी है तो थोड़ा हम पानी मिला लेंगे। पतला दाल पसंद है तो हम पानी उसी हिसाब से मिलाएंगे, अपनी पसंद के अनुसार गाढ़ा और पतला कर सकते हैं। इस तरह से सभी को मिला लेंगे हम अच्छी तरह से पहले, उसके बाद मीडियम फ्लेम ही रखेंगे। इसमें जब तक उबाल ना आए तब तक हम पकाएंगे। और दाल में देखिए उबाल आ गया है, अब बहुत ही अच्छा बन गया है ये दाल। अब गैस ऑफ कर लेते हैं और इसका छौंक लगाते हैं सर्व करते समय। तो एक पैन में घी गरम कर लिए और 1/2 छोटा चम्मच इसमें साबुत जीरा डाल दिए हैं और 1 इसमें मिर्च हम तोड़ कर डाल देंगे और थोड़ा सा 1 चुटकी हींग डाल देंगे और गैस बंद कर देंगे। तब इसमें हम 1/4 स्पून इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। चाहे तो लाल मिर्च को स्किप कर सकते हैं, नहीं पसंद है तो। इससे इसका कलर अच्छा आता है इसलिए मैं इसको यूज़ की हूँ। और इस तरह से दाल के ऊपर फैला देंगे और इसे हम रोटी चावल के साथ गर्मा गर्म सर्व करेंगे। और धनिया पत्ता इसमें डाल देते हैं फ्रेश। और दाल लौकी की रेसिपी तैयार है। और ये रेसिपी आपकी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, और अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।